एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर चॉपर को दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रहा होता है। और इसके बाद हमें रॉबिन को दिखाया जाता है जो उस कोल्ड की सिटी को ढूंढने के लिए जा रही होती है। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ जा रहा होता है और वो बोलता है कि शायद स्काइपिया में मेरी स्किल्स काम नहीं करें क्योंकि वो सारे के सारे पुजारी मंत्रा यूज़ करते हैं, इसलिए मुझे उन्हें हराने के लिए इतोरियो का यूज़ करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे और भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तभी जोरो के पीछे से एक बड़ी सी बर्ड उस पर हमला करने वाली होती है, पर जोरो उसे देख लेता है और वो अपने इतोरियो की मदद से उसे एक ही बार में ख़त्म कर देता है। और वो बोलता है कि वैसे मुझे अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर चॉपर को दिखाया जाता है जिसके पीछे और कोई नहीं बल्कि वो सारे डिवाइन सोल्जर्स होते हैं जिनसे बचने के लिए वो भाग रहा होता है, पर उसकी किस्मत ख़राब होने की वजह से उसे अपने सामने वो सारे गोरिल्लास मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वो वहाँ से और भी तेज़ी से भागने लगता है। और इसके बाद उन सारे गोरिल्लास और उन सारे डिवाइन सोल्जर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और बेचारा चॉपर उन सब की लड़ाई के बीच में फंस जाता है और वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। फिर यहाँ पर रॉबिन को दिखाया जाता है जो बोलती है कि शायद मैं उस कोल्ड की सिटी के काफ़ी ज़्यादा पास में हूँ क्योंकि इस जंगल को देखकर तो यही लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सालों पहले यहाँ पर कोई रहता होगा। और तभी वहाँ पर एक डिवाइन सोल्जर आ जाता है जो रॉबिन को देखकर उससे बोलता है कि तुम आगे नहीं जा सकती क्योंकि ये रास्ता उस कोल्ड की सिटी की तरफ जाता है और अगर तुम वहाँ पर गई तो ये एक क्राइम होगा। जिसे सुनकर रॉबिन उस डिवाइन सोल्जर से बोलती है कि शायद तुम्हें ये बात नहीं पता कि गोल्ड से ज़्यादा कीमती यहाँ का इतिहास है। डिवाइन सोल्जर ये सुनकर बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो क्योंकि हम सबको ऑर्डर मिला है तुम्हें मारने का। और ये कहने के बाद वो रॉबिन पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, पर रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की मदद से उसे आसानी से हरा देती है और वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकला। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोरिल्ला ने एक डिवाइन सोल्जर को हरा दिया होता है और तभी उसे अपने पीछे जोरो दिखता है जिसे देखकर वो बोलता है कि शायद तुम तो वही लोग हो जो स्काइपिया में नीचे की तरफ से आ गए थे। और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा और ये कहने के बाद वो जोरो पर हमला करने के लिए चला जाता है, पर जोरो उसे देखकर एक ही बार में उसे हरा देता है और वो बोलता है कि अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं मारता। और तभी वहाँ पर पीछे से एक और गोरिल्ला आ जाता है जो वाइपर का ही साथी है, जिसे देखकर जोरो बोलता है कि अगर तुम वो पुजारी नहीं हो तो मुझ पर हमला मत करना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। पर वो गोरिल्ला जोरो की बात नहीं सुनता और वो अपनी गन की मदद से जोरो के ऊपर हमला कर देता है, पर जोरो उसके हमले से आराम से बच जाता है और वो बोलता है कि इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है। पीछे से वो गोरिल्ला जोरो से बोलता है कि माफ़ करना कि मैंने तुम्हें कम समझा, पर तुम तो ताकतवर लगते हो। जिसे सुनकर जोरो बोलता है कि मुझे भी माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम पर अभी तक अटैक नहीं करा। और इसके बाद जोरो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और वो गोरिल्ला भी बिल्कुल तैयार होता है और वो अपने पैरों पर लगे टाइल्स की मदद से एकदम से जोरो के पीछे आ जाता है, पर जोरो उसके अटैक से बच जाता है और वो बोलता है कि उसे पास से मारना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, पर मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो उस पर अपनी तीनों की तीनों तलवार से हमला कर देता है, पर उस गोरिल्ला की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो आराम से बच जाता है और वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तीन तलवार एक साथ कैसे यूज़ कर सकता है। और इसके बाद वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो पर मेरे पास डाइल्स की पावर है और स्पीड भी है, इसलिए मैं नहीं हारने वाला। और ये कहने के बाद
वो वापस से जोरो पर हमला करता है, पर जोरो वापस से उसके अटैक को डॉच कर लेता है और वो बोलता है कि ये एक अच्छा मौका है अपने इतोरियो को यूज करने का। और इसके बाद वो उस गोरिल्ला से बोलता है कि तुम्हारे पास दो गन हैं और वो डायल्स की पावर है जिनकी मदद से तुम तेजी से भाग सकते हो, पर मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और वैसे एक और बात कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़े। जिसे सुनकर वो गोरिल्ला जोरो से बोलता है कि शायद तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि मुझे तो कोई भी ऐसा हथियार नहीं दिख रहा जो मेरी स्पीड को भी हरा सके। और ये कहने के बाद वो जोरो पर हमला करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर जोरो बिल्कुल तैयार होता है और वो बोलता है इतोरियो। और ये कहने के बाद वो अपने इतोरियो के 66 पॉइंट फोनिक्स की मदद से उस गोरिल्ला को एक ही बार में मार देता है और वो बोलता है कि अभी तो मुझे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है इस अटैक को और अच्छा बनाने के लिए। फिर यहाँ पर गेदात्सु को दिखाया जाता है जो अपनी जगह की देखभाल कर रहा होता है और एक गोरिल्ला को भी उसने हरा दिया होता है। और तभी हमें दिखता है चॉपर जो उसी जगह से आगे की तरफ जा रहा होता है और वो बोलता है कि सब तो मेरे जैसे प्यारे डॉक्टर को छोड़ के चले गए और मैं यहाँ पर करूँगा भी क्या, क्या मैं यहाँ पर मर जाऊँगा? अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं एक समझदार डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं मरने के बारे में नहीं सोच सकता। और तभी वो उस जगह को देखकर बोलता है कि इस जगह को देखकर तो ये लगता है कि जैसे मैं उस गोल्ड की सिटी के काफ़ी ज़्यादा पास में हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं वो अकेला समझदार हूँ जो इस जगह पर सबसे पहले आ गया है? पीछे से गेदात्सु चॉपर को देखकर बोलता है कि ये जानवर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है। फिर यहाँ पर लूफी और वाइपर को दिखाया जाता है जो लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वाइपर लूफी पर हमला करता है, पर लूफी वाइपर के अटैक को आराम से रोक देता है और वो बोलता है कि ये अटैक मुझ पर काम नहीं करने वाला। फिर यहाँ पर शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी ने शांजी को हरा दिया होता है, जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। कैनफॉल सामने देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और इसके बाद हमें पता चलता है कि जिसने शांजी को हराया वो और कोई नहीं बल्कि इनुरू था, जो बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पर लड़ाई करने के लिए नहीं आया था। और इसके बाद वो कैनफॉल से बोलता है कि वैसे तुम कैसे हो, 6 साल पुराने स्काइपिया के गॉड